नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर खंडवा के निजी होटल में प्रेस वार्ता रखी गई। कार्यक्रम प्रभारी तथा भीकन गांव विधायक झूमा सोलंकी ने योजना के बारे में जानकारी दी। कहा कि ये चुनावी घोषणा जरूर है, लेकिन कांग्रेस का वचन भी है, जो कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्राथमिकता से पूरी की जाएगी। पहला कदम नारी शक्ति को सशक्त और समृद्ध करने वाली इस योजना को लागू करना होगा। 2018 में भी सरकार बनते ही हमने वचन पत्र के वादों को पूरा किया था। एमएलए सोलंकी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ की मंशा है कि प्रदेश की नारी सशक्त और समृद्ध हो। मंगलवार के दिन कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले के हनुमान मंदिर में आराधना करके इस योजना की शुरुआत की है। ये योजना महिलाओं को सशक्त बनाएगी, समृद्धि की ओर बढ़ाएगी। वहीं उनकी इस योजना को हाईकमान ने भी मंजूरी दे दी है। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन अनुरूप योजना में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक बालिग महिला से लेकर नौकरी पेशे वाली सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। भाजपा सरकार की थोपी गई महंगाई को देखते हुए 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को 1500 रुपये महीने भी दिए जाएंगे।